बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ पे इन लोगों को हिंदी नहीं समझती है। मैं हर बार थोड़ी आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का व्लॉग बहुत ही सरप्राइजेस भरा होने वाला है। सो आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। सो वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि जब जब नया वीडियो है तब तक सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, इट्स डे टू इन बैंगलोर और आज का जो व्लॉग है बहुत ही सरप्राइजेस भरा होने वाला है। तो इट्स ऑलमोस्ट 7 इन द मॉर्निंग एंड मैं उठ गई हूँ एंड बहुत सारी प्लानिंग करनी। ये प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही, जब से बैंगलोर की प्लानिंग हो रही थी। तो बेसिकली क्या है कि मेरी दीदी और मेरी एक बहन, मेरी बहन तो गांव में रहती है, दीदी बैंगलोर में रहती है। तो दीदी को मैंने बताया ही नहीं अभी तक कि मैं नानी के साथ आई हूँ। उनको सिर्फ ये पता है कि नानी अकेले आए हैं। तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग मेरी जो गांव वाली सिस्टर कज़न है, जिसको हमने शादी करके गांव में दिया है, वो आएगी बैंगलोर दीदी के घर पे, देन दोनों मिलके यहाँ आने वाले। लेकिन ये नहीं पता कि उनके आने से पहले हम दोनों, मैं और नानी, घर जाके उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। क्योंकि दीदी ने मेरे को बहुत फोर्स किया था कि नानी को अकेले मत भेज, तू आ जा। लेकिन वो, उनको नहीं पता कि मैं पहले से सरप्राइज प्लान कर रही थी कि उनके घर जाके अचानक से उन्हें सरप्राइज करना है। तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों आफ्टरनून में यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हमारे प्लान के अकॉर्डिंग उनसे पहले हम उनके घर जाने वाले हैं उन्हें सरप्राइज करने के लिए। सो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आई डोंट नो ये आज का ब्लॉग कहाँ जाने वाला है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो बने रहना पूरे ब्लॉग तक। मैं ऐसे मुंबई में तो कभी इतना जल्दी उठती नहीं हूँ, बट आज देख रहे हो, मतलब यहाँ का वाइब मुझे जो है वो उठा दिया। और यहाँ पे एक बर्ड बहुत देर से आवाज़ कर रहा है। फटाफट से हम रेडी होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और लंच नाना नानी के लिए बनाकर हम निकलेंगे यहाँ से। तो सी, बैंगलोर इज़ रियली एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है और लॉन्ग लॉन्ग रूट्स भी है। तो मैंने सोचा कि रिक्शा नहीं करना है, ओला करना है, क्योंकि लगेज भी है। ये दीदी और मेरी सिस्टर का लगेज है, क्योंकि वो जाने वाले आफ्टर रमज़ान दिल्ली जाने वाले, वो लोग वेडिंग के लिए। तो उनका लगेज भी है, प्लस मेरा सूटकेस भी है और नानी भी साथ में है। तो एक कंफर्ट के लिए मैं ओला या उबर ही करके जाने वाली हूँ, नो रिक्शा है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत स्कैम होता है ऐसे मैंने सुना है। तो मैं ओला या उबर करूँगी जाने के टाइम। मैं डर गई कि अम्मा नानी अभी क्या बना रहे, खारे से भी खारे से भी नानी अभी बना रहे खारे से भी और हम लोग नाश्ते में खाएंगे खारे से। तो गाइस हम अभी निकलने वाले हैं, हमने ओला बुक की और बहुत यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ पे इन लोगों को हिंदी नहीं समझती है, पर ओला उबर वालों को इतना एक्सपेंसिव। पहले वाली ओला कैंसिल हुई, दूसरी वाली हमने उबर ऑटो की वो भी कैंसिल, एंड थर्ड वाली फाइनली बुक हम निकल रहे हैं। ओला आई, गुड गॉड, planning to come to Bangalore, this is not a right place for Mumbaikers because it's really expensive. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें expensive है और जहाँ पे नानू का घर है ना, वहाँ पे ओला अंदर नीचे ले डाउन नहीं करती है। तो हम लोग को पूरा का पूरा वो जो जितना भी अभी हमने डिक्की में ये रखा है, मेरी दीदी का सामान रखा है, वो सारा हमको वहाँ से उठा के पूरा मस्जिद तक लाना पड़ा एंड देन फिर इसमें यू नो रखना पड़ा। बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। और मेरी सिस्टर, मेरी दूसरी कज़न पहुँच गई, एक्चुअली हम लोग को पहले पहुँचना था बट कोई भी ऊबर ओला कुछ बुक नहीं हो रही थी इतनी देर से, हाफ एन आवर से, क्योंकि नानू रहते ही बहुत ऐसे अंदर प्लेस में जिसमें ओला उबर आती नहीं है, एंड जहाँ पे आती है वहाँ तक हम लोग को ऐसे उठा के लाना बहुत मुश्किल है। और नानी तो मेरी वैसे भी चल नहीं पाती है, ज़्यादा वॉक नहीं करते वो, तो उनका भी वो इशू है। अब मेरी दीदी के घर हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर मेरी दूसरी बहन आ गई, हमको जाना था पहले बट वो आ गई है, एंड हम अभी वहाँ जाएंगे और उनको सरप्राइज करेंगे। सो वेट फॉर दैट रिएक्शन ऑल्सो। एंड यहाँ पे
ऑटो के लिए नम्मा यात्री करके एक ऐप है जो चलता है, सो यू कैन डू दैट. वो डाउनलोड कर लो इफ़ यू आर कमिंग टू बैंगलोर. एंड इट्स रियली एक्सपेंसिव कम्पेयर टू मुंबई. इट्स रियली एक्सपेंसिव. ये कौन सा फ्लेवर है? काजू है, स्ट्रॉबेरी, वेनिला है. वेनिला दे दो. उसका प्राइस बताओ क्या? ये तो 1+1 220 का. चॉकलेट है? चॉकलेट चॉकलेट नहीं. सी 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 वो देखो, वो एक चीज है. एक चॉकलेट एक वेनिला. हाँ हाँ. अभी कुछ भी नहीं मिला भाई, तो अभी आइसक्रीम ही ले लेते हैं. यहीं कहीं है. Guys, we are almost reaching. घर ही नहीं पता क्योंकि हम खुद पहली बार जा रहे बनाएंगे. इतना अच्छा, इतना गोल गोल. ये मेरी बहन को नहीं जमता है ना, अदरवाइज हम कैब कर सकते थे. बट इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग दिस इज वर्स्ट लोकेशन एवर. डू नॉट विजिट हियर. मत आओ मत आओ मत आओ. नहीं सही में सुबह भी कितना मेरे को बहुत डिफिकल्ट हुआ बुक करने के लिए. मेरे को तो ऐसा लगता है थोड़ी देर में नाना का ज्वालामुखी फूटने वाला था. कौन सा मॉल है? ये फोरम मॉल है. हम आए फोरम मॉल में. यहाँ पे सब कनाडा में लिखा है, हिंदी में तो मैं कुछ लिख नहीं रहा. और इतनी रात को हम मॉल में क्या करना है दीदी? घर घोड़ा गद्दे घोड़े कैसा चढ़ते हैं, सब लोग चढ़ने जा रहे हैं. दीदी सरप्राइज कैसा लगा? मेरी दीदी कुछ बोलेगी नहीं, खाली बता देंगे. तो यो दिमाग में मेरी बहन लोग सच्ची में पागल है. वी केम हियर टू फोरम मॉल इन बैंगलोर एंड ओ माय गॉड, दिस इज नॉट इवन क्लोज टू फिनिक्स मॉल. और रिदान को जरूर यहाँ पे लेके आएंगे और खिलाएंगे, बिकॉज आई हैव टाइम जोन का कार्ड. तो कल यहाँ पे लोग एंजॉय कर सकते हैं. कभी आए स्माइल करो. अल्लाह वीडियो बना लेंगे ना. तो अभी हम खा रहे वाव मोमोज. स्टीम 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 गाइज. हम आए हैं फॉरम मॉल और वाव मोमोज कभी दीदी ने ट्राई नहीं किया है ना. कभी ट्राई नहीं किया, लोकल मोमोज ट्राई किया. तो बीन अ वाव मोमोज लवर, हम वाव मोमोज के इधर बैठे हैं और वाव मोमोज ऑर्डर किया है. बाकी मेरे मेरी बहन और मेरे भाई बहन दोनों ऐसा देख रहे हैं कि पहली बार किसी को ब्लॉग करते देख रहे ना. हाँ तो वाव मोमोज
एक गलती हमसे ये हो गई कि हम रिहान और रिदान को नहीं लेके आए टाइम जोन में खिलाने के लिए, तो कल हम लोग वापस आएंगे, रिहान रिदान को सरप्राइज करेंगे। और अभी हम फोर्स कर रहे हैं इन दोनों को कि रुक जाओ, हम मैं हर बार थोड़ी आऊँगी, रिदान रुको ना, मैं हर बार देखो मैं वन सिर्फ ब्लू मून आई, कितने साल में एक बार आई, तो अभी तुमको रुकना पड़ेगा, सुबह सुबह 4 बजे निकल जाना ना तुम बस से, एक नींद मारो ना, एक नींद अपनी काटो जरा, लेकिन बस में सो जाना ना, 4 बजे बस पकड़ के बस में सो जाना। तो हम लोग फोर्स करें कि कल हम लोग वापस इधर आएंगे, हम लोगों को नहीं पता था, एक तो ये छोटा मॉल है, इट्स नॉट लाइक फिनिक्स मॉल, लेकिन ठीक है देखते हैं। और अभी ना दीदी को भी चॉपस्टिक से खिलाऊंगी और आसिया को भी चॉपस्टिक से ही खिलाऊंगी मैं, मैं नहीं खाने वाली पापा, तो मैंने उनको बोला चॉपस्टिक देने के लिए, लेट्स सी वो चॉपस्टिक देते हैं कि नहीं देते, बट हाँ दीदी आज तुम चॉपस्टिक से ही खिलाओगे, हां यहीं पे चॉपस्टिक नहीं मिला और ये लोग बहुत खुश हो गए। चलो वो उसको बोल रही है क्या, उधर वाली को बोल रही है तुमको नहीं बोल रही है, उसको बोल रही है, तो ठीक है इतनी अच्छी दिख रही, बोले ना कितना बड़ा मुंह खोली उन्हें खाने के बाद। ऐसा लग रहा है इनको गन पॉइंट पे बिठाई हूँ मैं कि या बैठो और खाओ और मेरे ब्लॉग्स में आओ। That's it for today's video. I hope आप लोगों को पसंद आया हो। मैंने कोशिश की कि जितना मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, मैंने दीदी को जब सरप्राइज किया, तो yeah, that's it for today's video. I hope you enjoyed. If you enjoyed, give me thumbs up and do comment and share. Till then, मैं आपसे मिलती हूँ next Bangalore series के vlog में, तब तक stay safe, stay healthy, bye bye, Allah Hafiz.